देता हूँ एक मिनट, थोड़ा एक मिनट पीछे आ जाओ। इसमें आप में मेडिकल वाले कौन है? इधर के बॉम्बे के हैं आप लोग? क्या प्रॉब्लम क्या? एक्चुअली मेरी नानी जो एडमिट है वो अभी फिलहाल एडमिट है, उनको निमोनिया कोविड हुआ है और मैं अकेले उनको हैंडल कर रही हूं। पीछे आ जाना थोड़ा भाई। सेंट्रल साकिना का हॉस्पिटल है। हां आपने पहले भी बात किया था कि पहले ही बोला था कि मैं वो सर से बात हुई थी, हमारे से बात हमने भेज दिया है। अभी आज का डिटेल उनको पहले नहीं आया? पहले नहीं आया, ये फर्स्ट टाइम है। यार मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो मेरे को ना भागना, मेरा भी शूट है, मेरे को भागना, तो आप अपने ना एक स्लिप पे अपना लिख लीजिए, मैं अपनी टीम को दे दूँगा, कॉल कर करके आप लोगों से पूछ लेंगे। हाँ क्या हुआ? अभी है हॉस्पिटल तो हमें क्या दिक्कत है? तो आप एक काम कीजिए ना, यार जो मेडिकल वाले हैं ना, तो एक छोटी सी पर्ची के ऊपर तीन चार चार लाइनों में अपना फ़ोन नंबर और वो लिख दीजिए, मैं अपनी टीम से करके आज सारे फ़ोन करवा दूँ, गोविंद को भेज दें, तो फ़ोन करके आपसे पूछते हैं सारी डिटेल्स, और जहाँ जहाँ होगा हम लोग बात करते हैं। आप भाई जय माता दी, भाई मैं लेके आ रहे थे यहाँ, तो बदलापुर जा रहे थे 15 साल से, तो 1.5 साल से नौकरी छुट गई मेरी, तो जॉब मिलती नहीं पाई नहीं करना मेरा। हाँ जी, अजय झाड़े को इतने रह रहे 15 साल तक, इतने हो गए बदलापुर तो आया था कल आज तक। भाई यार सुन ही नहीं रहे। कुछ नहीं, मुझे खाली कोई भी कंपनी में कैंटीन चाहिए था, काउंटर चाहिए था सीखने के, क्योंकि मेरा पहले कैंटीन काउंटर था, तो अभी सब बंद हो गया, जितनी भी कंपनी थे सब बंद हो गया, तो मैंने कैसे इसमें पटने में सब जगह पे ट्राई किया, तो अभी किधर भी मिल नहीं रहा है, HR वगैरह कोई आ नहीं रहा, तो बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ आप जैसे पर्ची पर अपना नंबर लिखा हुआ है ना, हाँ आप ऐसे पर्ची पे प्लीज अपना एक ना डिटेल और नंबर और छोटा सा कार्ड जो भी अपना भेज के गुड्डू को दे दीजिए। सर मुझे एडमिशन के लिए आई, किसके एडमिशन? कहाँ पे? एडमिशन के लिए सर फीस भर रहा है सर, देखो सब लेके आया हूँ। नहीं तो कहाँ पे पढ़ती है अभी? चेंबूर में। मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी आप अपने एक बार लिख के दे दीजिए ना, हम आपसे फोन करके बात करेंगे और समझेंगे आपसे क्या प्रॉब्लम है। सर हमारे बच्चे महात्मा गांधी में यही पढ़ते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ, पर्ची भी लिख के देंगे ना, तो मैं फोन करके पूछूंगा ना आप लोगों से। आप ये बार आप ऐसी पर्ची करके इनको पकड़ा दीजिए, एक एक बंदे से हम लोग फोन करेंगे। मेरा नाम नहीं लिखना, आपको पर्ची पे पूरा लिख के दे दीजिए इनको, जैसे ये लिखा हुआ मैडम ले रहा, उसी के लिए खड़ा हो चाहिए। ये गुड्डू आपको समझाएगा, बच्चे का नाम नंबर और आपका आपका डिटेल और कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और क्या प्रॉब्लम क्या है। भैया मेरी 1000 रुपये की फीस मैं नहीं भर पा रही हूँ, या मैं इतनी में भर पा रही हूँ कि नहीं, डिटेल लिख दिए फिर हम लोग। इधर मत आओ, मैं बोल रहा हूँ सर, मैं झांसी से आया सर, सर 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 लेट हो रहा होगा यार, तुम्हारा काम कर रहे हैं, लिख के दे दो प्लीज सर।